में कैंट बोर्ड की टीम पर पथराव हुआ है। अवैध डेयरी हटाने के दौरान पथराव, डेयरी संचालकों और भीड़ ने मारपीट की है। पथराव में कई कर्मचारी घायल हुए हैं। कैंट बोर्ड के कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अफसरों ने भाग कर जान बचाई है। कैंट बोर्ड के कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। आप देखिए तस्वीरों में कैद हुई है ये पूरी घटना, जहां पर अफसरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। कैंट बोर्ड के कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अवैध डेयरी हटाने के दौरान ये पथराव, ये देखिए आप कैंट बोर्ड की टीम पर जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है। महिलाएं भी शामिल, बुजुर्ग भी शामिल और कई लोग इस समय शामिल हैं। आप देखिए इस पूरे, शोएब जिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। शोएब, सबसे पहली बात तो यह है, क्या इन डेयरी मालिकों को कोई नोटिस दिया गया था पहले, और अगर दिया गया था उसके बावजूद ये हिमाकत क्यों? बिल्कुल, शुक्रिया शोएब तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो अफसरों ने भागकर अपनी जान बचाई। सदर बाजार के रजबन का ये पूरा मामला है। लाइव पत्थरबाजी की सीधी तस्वीरें, भारत समाचार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा पथराव हुआ है। पथराव में कई कर्मचारी घायल हुए हैं। खबर बिजनौर से, जहां पर दो गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई है। बच्चों के मामूली झगड़े को लेकर यह विवाद बढ़ा है। पथराव में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर भारी फोर्स तैनात, थाना चांदपुर के दतियाना इलाके का यह मामला है। पथराव में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए बच्चों का झगड़ा था, लेकिन विवाद इतना बढ़ा, पथराव इस हद तक हुआ और फायरिंग भी हुई कि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चों के मामूली झगड़े को लेकर विवाद बढ़ा है। पथराव में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और मौके पर भारी फोर्स तैनात। बिजनौर में 2 गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग, और इस पथराव और फायरिंग में मामूली झगड़े को लेकर यह हुआ है। बच्चों के मामूली झगड़े को लेकर पथराव में 6 लोग घायल हुए हैं। मौके पर भारी फोर्स तैनात है। 2 गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग, बच्चों के मामूली झगड़े को लेकर विवाद ये बढ़ा है। पथराव में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और खबर सहारनपुर से, जहां पर बच्चा चोर समझकर महिला की पिटाई और अभद्रता करने का मामला सामने आया है। लोगों ने एक भिक्षु महिला को बच्चा चोर समझकर पिटाई कर दी है। मारपीट करने का ये वीडियो वायरल हुआ है। आप देखिए सहारनपुर में महिला पर टूट पड़ी है ये भीड़। बच्चा चोर समझकर ये पिटाई की गई है सहारनपुर में। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में बच्चा चोर के नाम पर अफवाह और अफवाह के बाद जमकर मारपीट होती है। जो भी लोग होते हैं उनके साथ बस एक अफवाह फैलने की देर होती है। देखिए इस महिला पर भी भीड़ टूटी, हालांकि पुलिस प्रशासन बीच बचाव में। और देखिए पहले तो किस प्रकार से ये पिटाई की गई है और बदतमीजी करने की भी कोशिश कुछ लोगों की। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। कुछ लोग बस अपनी, आप समझिए इस पूरे मामले में कई बार ऐसा होता है। विशाल हमारे संवाददाता, चलिए पहले उनसे बात कर लें इस पूरे मामले पर। विशाल, क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी मिली है, कैसे यह अफवाह उड़ी और इस महिला को क्यों पीटा गया है, कौन थी ये महिला? जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है थाना कुतुबशहर क्षेत्र के कमलिया कॉलोनी का है, जहाँ पे एक महिला भिक्षा के लिए गई थी। वो करीब काफी दिन से जो है, मतलब वहाँ पे हमेशा की तरह अधिकतर नजर आई है महिला, जो कि जो भिक्षा मांगती है। तो वही एक भिक्षा मांगने के लिए फिर से कमेला कॉलोनी में गई थाना कुतुबशहर क्षेत्र में। तो कुछ लोगों ने जो है उस महिला को पकड़ा और साथ में पकड़ने के बाद उसके ऊपर आरोप लगाए, अभद्रता की गई। हालांकि वो बच्चा चोर नहीं थी, भिक्षा मांगने वाली थी, लेकिन उसे बड़ी बेरहमी से वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि मतलब क्या कुछ संज्ञान लिया है पुलिस ने। विशाल जी मैं बता दूं, एसपी सिटी विनीत भटनागर ने जैसे ही संज्ञान में आया मामला, वीडियो को देखने के बाद जो वायरल हुई है उसमें तत्काल प्रभाव से जो महिला को मतलब पीट रहे हैं और अभद्रता कर रहे हैं, उन पर एक्शन लेने के लिए थाना क्षेत्र अधिकारी को कहा। चलिए शुक्रिया विशाल आपका बहुत बहुत इन तमाम जानकारी के लिए। तो बच्चा चोर समझकर पिटाई, हालांकि पुलिस प्रशासन की सतर्कता भी सामने आई है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान भी लिया है। चलिए और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं चंदौली। अघोरेश्वर बाबा
कीना राम आश्रम पहुंचे हैं सीएम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का चंदौली दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं चंदौली और अघोरेश्वर बाबा कीना राम आश्रम पहुंचे सीएम संतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। संतोष, चंदौली का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, कितनी देर रहेंगे वहां, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी करीब 1.5 घंटे यहाँ रहने का उनका कार्यक्रम है। अभी वो तय समय से लगभग 50 मिनट देर से पहुंचे हैं। यहाँ पर अघोरेश्वर बाबा कीनाराम का 420वां जन्मोत्सव, 3 दिवसीय जन्मोत्सव का मनाया जा रहा है, जिसमें उनको आमंत्रित किया गया था। यहाँ वो दर्शन पूजन करेंगे और यहाँ पर एक विचार गोष्ठी में भी सम्मिलित होंगे। जी बिल्कुल, सम्मेलन भी होगा। संतोष, ये नजर रहेगी हमारी, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर गोंडा से, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या की है, पहली पत्नी को 3 तलाक देने के बाद यह हत्या, मारपीट कर गला दबाकर हत्या की गई है महिला की। पति ने पत्नी की हत्या की है, पहली पत्नी को 3 तलाक देने के बाद हत्या की गई है, मारपीट कर गला दबाकर यह हत्या की गई है। मायके वालों का दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप, मायके वालों का दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है। थाने में शिकायत ना होने पर डीआईजी से मिला परिवार, डीएम ने दिए हैं मामले की जांच के आदेश। पीड़ित ने समाधान दिवस में डीएम से शिकायत की, शिकायत पर डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। पहली पत्नी को 3 तलाक के बाद इस घटना को अंजाम दिया है, पति ने पत्नी की हत्या की है, 3 तलाक देने के बाद यह हत्या की गई है। हत्यारा पति कब्र खुदवाकर शव का पोस्टमार्टम कराए जाने का आदेश दिया है। एसडीएम की मौजूदगी में कब्र खोद कर निकाला गया महिला का शव। कोतवाली कर्नलगंज के कचनापुर गांव का यह मामला। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार की, पति ने पत्नी की हत्या की और देखिए शव को आनन फानन में दफना भी दिया गया, और लेकिन इसके बाद डीएम की मौजूदगी में जो है लाश निकलवाई गई, शव को निकलवाया गया। और हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, ये क्या पूरा मामला था, 3 तलाक दिया गया उसके बाद महिला की हत्या की गई, पति ने हत्या की है? जी खुद आपको बता दें कि ये 12 अगस्त का मामला है। 12 अगस्त को जो ये आसिया एक लड़की है, इसके जो पिता है यूनुस, उनको पता चलता है कि आसिया की मौत हो गई है, फांसी के फंदे पर लटका हुआ उसका शव मिला है। जब बाप वहां पहुंचता है तो उसके गले में चोट के निशान मिलते हैं, पीठ पर भी उसके काला काला निशान मिलता है, जिसको लेकर के वो एक शिकायत पत्र पहले थाने में देता है, कटरा बाजार थाने से, जहां पे उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती है। इसके बाद वो डीआईजी से भी शिकायत करता है, फिर जाकर के डीएम से शिकायत करता है समाधान दिवस में। तो डीएम इस पूरे मामले की जांच के आदेश देते हैं। तो आज उस जो महिला का शव था उसको कब्र से निकलवा करके उसका दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आपको खबर महाराजगंज से बताएं, जहां पर एसएसबी जवानों ने नेपाली तस्कर को पकड़ा है। 48 ग्राम हेरोइन भी मौके से बरामद किया गया है। अभियुक्त को सुनौली पुलिस को सौंपा गया है। महाराजगंज में एसएसबी जवानों ने नेपाली तस्कर को पकड़ा है। 48 ग्राम हेरोइन भी मौके से बरामद, बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद किया गया। अभियुक्त को सुनौली पुलिस ने को सौंपा गया है। और ये तस्कर जिसको पकड़ा गया है, जवानों ने नेपाली तस्कर को पकड़ा है, 48 ग्राम हेरोइन भी मौके से बरामद। अभियुक्त को सुनौली पुलिस को सौंपा गया है। एसएसबी जवानों को सफलता जरूर मिली है, नेपाली तस्कर को पकड़ा है और 48 ग्राम हेरोइन भी मौके से बरामद। अभियुक्त को सुनौली पुलिस को सौंपा गया है। एसएसबी जवानों ने 48 ग्राम हेरोइन भी मौके से लिया गया है। अभियुक्त को सुनौली पुलिस को सौंप दिया गया है। महाराजगंज में एसएसबी को बड़ी सफलता मिली है, 48 ग्राम हेरोइन भी मौके से बरामद। चलिए और इसी बीच महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं, मेरठ से, जहां पर सीसीएस विश्वविद्यालय में 2 छात्रों पर हमले का मामला। गिरफ्तार हमलावर ने दारोगा से छीनी है पिस्टल। पिस्टल छीनकर फरार होने की कोशिश की गई है। गिरफ्तार हमलावर ने दारोगा से पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर की फायरिंग। और दानिश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। क्या कुछ जानकारी आपके पास दानिश इस पूरे मामले में?
तो गिरफ्तार हमलावर ने दारोगा से पिस्टल छीनी है, पिस्टल छीनकर फरार होने की कोशिश की गई है। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से आरोपी घायल, हमले का हथियार बरामद करने के लिए कराने के लिए पुलिस गई थी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से आरोपी घायल। चलिए और एटा से आपको खबर बताएं, जहां पर मासूम बच्ची से गैंग रेप किया गया है। 10 साल की बच्ची से गैंग रेप का मामला, एटा से खबर आपको बताएं, 10 साल की बच्ची से गैंग रेप का मामला। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आवागढ़ के फरीमा मोड़ से किया गिरफ्तार, एटा में मासूम बच्ची से गैंग रेप किया गया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आवागढ़ के फरीहा मोड़ के पास की घटना। और चलिए नोएडा से आपको खबर बताएं, जहां पर डीजे एवं साउंड व्यापारियों ने धरना दिया है। डीजे पर रोक के बाद व्यापारियों में रोष, हाईकोर्ट के रोक के बाद परेशान व्यापारी, जहां पर डीजे एवं साउंड व्यापारियों ने धरना दिया है सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में धरना प्रदर्शन। दानिश हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। दानिश, डीजे एवं साउंड व्यापारियों ने धरना दिया है, क्या कुछ आप वहां पर देख रहे हैं, क्या कुछ मांग है इनकी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से माननीय हाईकोर्ट ने डीजे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया, उसी को लेकर अपने काम की वजह से जो है अब ये लोग प्रकोप में उतरे हैं। यहाँ सेक्टर 19 में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें साफ मांग करी है कि सरकार इस फैसले में कम से कम दखल दे, क्योंकि उनकी जो जीवन यापन है वो बहुत मुश्किल हो गया। उनके बच्चे स्कूल जाते थे वो अब नहीं जा पा रहे, क्योंकि डीजे नहीं बजेगा तो उनका कारोबार नहीं चलेगा, तो वो जो है किसी भी चीज के लिए उनको राहत नहीं मिलेगी, वो परेशान रहेंगे। लिहाजा इसी को। चलिए दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन नेताओं की पुलिस से झड़प हुई है। स्कूली छात्राओं के वाहनों की समस्या को लेकर भाखियों ने हंगामा किया है। हंगामे में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और सीओ सिटी में जबरदस्त झड़प हुई है, जिसके बाद भाखियों ने डीएम ऑफिस में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मामला डीएम कार्यालय का है। तो भाखियों नेताओं की पुलिस से झड़प हुई है मुजफ्फरनगर में, वाहनों की समस्या को लेकर हंगामा। बाकी नेताओं ने शुरू किया यह धरना मुजफ्फरनगर में, अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत। बाकी नेताओं की पुलिस से भी झड़प हुई है, तस्वीरें देखिए आप, जबरदस्त झड़प और जबरदस्त यहां पर जो गहमा गहमी का माहौल। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने धरना शुरुआत की है, धरना की। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर दबंग कोठेदार ने युवक को गोली मारी है। बीच चौराहे पर युवक को गोली मारी गई है, पैसे के लेन देन में युवक को गोली मारी गई है। दिन दहाड़े गोलीकांड से इलाके में सनसनी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुंडा क्षेत्र के दिलेरगंज गांव की यह घटना, दिन दहाड़े गोलीकांड प्रतापगढ़ में, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बीच चौराहे पर कुंडा क्षेत्र के दिलेरगंज गांव की घटना है। यूपी 100 की सूचना आई थी कि दिलेरगंज कुंडा में एक युवक को गोली मार दी गई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां मजरूह ब्रिजेश है, उसको गोली लगी है। जिसने गोली मारी है उसका नाम पंकज मिश्रा है। मजरूह को तुरंत वहां से रेफर कर दिया गया है। इसमें जो प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि किसी प्रकार का लेन देन का विवाद तीसरे पक्ष के साथ था, उसमें कुछ भैंसा वैसी आपस में हुई जिसमें फायर कर दिया गया और गोली मजरूह को लगी। प्रयागराज में लावारिस लाशों के मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज भी एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज हत्या के बाद लाशों को ठिकाने लगाने का अड्डा बनता जा रहा है। गुरुवार को इरादतगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास धान के खेत में 23 साल की युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं युवती की रेप के बाद हत्या किए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। ये एक लड़की है 22-23 साल की, उसकी डेड बॉडी मिली है जिसमें गले पे एक निशान है। इंस्पेक्टर घूरपुर ने उसको मॉर्चरी में भी रखा हुआ है। अभी शिनाख्त की कार्रवाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी डेड बॉडी कहाँ से है, किसकी है, तो अभी तक तो पहचान नहीं हुई है और पहचान का प्रयास चल रहा है। और 72 घंटे इंतजार करने के बाद हम उसका पीएम वगैरह कराएंगे और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक एसएसपी ने डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से जनवरी से लेकर अब तक जिले में लावारिस मिले शव को लेकर रिपोर्ट तलब की है। एसपी क्राइम के मुताबिक पुलिस ये पता लगाने में भी जुटी है कि आखिर जिले में लगातार मिल रहे लावारिस शव किस क्षेत्र के हैं। धीरेंद्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। हापुड़ में 3 तलाक का मामला सामने आया है। दहेज में 15 लाख नहीं मिलने पर पति ने पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया और पत्नी ने जब इस बात का विरोध किया तो पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पति समेत कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। मामला हाफिजपुर थाना इलाके का है। दहेज नहीं मिलने पर घटना को अंजाम दिया गया। 15 लाख और कार की मांग कर रहे थे और 3 तलाक गंभीर धाराओं में देखिए मुकदमा जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल मानसिकता का भी है और सवाल देखिए जब 3 तलाक बैन है बावजूद उसके भी नहीं रुक रहे 3 तलाक के मामले, हापुड़ में यह मामला सामने आया है। और बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की करते हैं। 5 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की है। समीक्षा के बाद संगठन में फेरबदल किया गया है। दक्षिण भारत के राज्यों के पदाधिकारियों से आह्वान, यूपी के पैटर्न पर चलकर अपनी शक्ति बढ़ाएं, दक्षिण राज्यों में बाढ़ पीड़ितों की मदद करें, बाढ़ की तबाही के शिकार लोगों की मदद करें, गरीब और अति जरूरतमंदों की मदद करें। यह कहना बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आह्वान किया है और बैठक की है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, जिसमें ये तमाम बातें सामने आई हैं। 5 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएस धर्मेश ने आगरा दौरे के दौरान मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा मायावती बिजली का एक तार है, जो उनको छुएगा वही मरेगा। बीजेपी ने उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनकी जान भी बचाई, लेकिन बीजेपी को उन्होंने धोखा दिया। मायावती का जनाधार पूरी तरह से खिसक चुका है और जो समर्थक थे उन्होंने बीजेपी की ओर रुख किया है। बहन जी पूरी तरह दलित विरोधी हैं, जो उन्होंने दलितों के हित में कोई काम नहीं किया। दलित की जो बेटी अपने को मानती नहीं है, लेकिन वो दौलत की बेटी बन गई है जो, और पूरी तरह उन्होंने दलित समाज का कोई भला नहीं किया। बहन मायावती जी बिजली का एक नंगा तार हैं, जो उनको छुएगा वही जो मरेगा जो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। खेल दिवस के अवसर पर इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा आज देश की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में कई तरह की बीमारी बढ़ रही है, 30 साल के युवक को भी हार्ट अटैक की खबर आती है। उन्होंने कहा यह हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हर परिवार को इसके बारे में सोचना चाहिए। पीएम का फिटनेस मंत्र, जिसका हर खिलाड़ी उम्मीदों के पंख लगा रहे हैं। फिट इंडिया की शुरुआत और पीएम नरेंद्र मोदी का फिटनेस मंत्र, आज देशवासियों को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि फिटनेस हमारे जीवन का हिस्सा है और जो फिट है, फिटनेस बहुत जरूरी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। सीएम ने आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सीएम के सामने ताइक्वांडो कौशल का प्रदर्शन किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम की शुरुआत की, खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। बलरामपुर में फिट इंडिया हिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत और इस अभियान की शुरुआत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए और अब आपको गोंडा से अहम खबर बताएं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने जान दी है। गोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने जान दी, घर के कमरे में पंखे से लटक कर जान दी। घरेलू कलह से परेशान चल रही थी महिला। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरुआत की है जांच की। कोतवाली देहात के दुर्गोड़वा का ये पूरा मामला। गोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने जान दी है। राजेश हमारे संवाददाता गोंडा से ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? घरेलू कलह से परेशान थी ये महिला।
जी खुशबू, ये बताया ही जा रहा है कि महिला काफी दिनों से घरेलू कलह से परेशान थी, जिसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और आखिरकार उसने जान क्यों दी इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन पता ये जा रहा है कि पिछले काफी दिनों से महिला जो थी वो घरेलू कलह से परेशान चल रही थी, जिसको लेकर के उसने जान दे दी। 30 साल की ये महिला है, जिसका नाम रंजना तिवारी है और ये दुर्गुणवा गांव की रहने वाली है। और पुलिस ने जब उसको सूचना मिली तो मौके पहुंच के उसने शव को उतरवाया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जी बिल्कुल राजेश, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए और इसी बीच अहम खबर आपको मुजफ्फरनगर की बताएं, जहां पर दो पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच चले जमकर लात घूसे, कचहरी परिसर में ये हुआ है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूसे चले। और सचिन हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। सचिन, दो पक्षों में मारपीट हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर कचहरी में आज कोर्ट ने फैसला लिया था। कुछ दिन पूर्व तेरवा गांव में हत्या हुई थी, हत्या के फैसला आज था, तो दोनों पक्षों के बीच उस हत्या के फैसले को लेकर मारपीट हो गई और पुलिस की मौजूदगी में इतनी बड़ी मारपीट हुई कि लगभग 2-3 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने लोगों को शांत करने के लिए लाठीचार्ज की और लाठीचार्ज करने के बाद जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया। खुशबू, शुक्रिया सचिन बहुत बहुत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि सर्राफ ने, सुनिए क्या कुछ कहना उनका। समझ में नहीं आ रही कि लोकतंत्र का महत्व क्या होता है और मतलब क्या होता है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता और जनता के बड़ा कोई ना सर्टिफिकेट देने वाला होता है ना कोई आपकी समीक्षा करने वाला होता है। उस समीक्षा पर जहां पर सब लोग मिलकर एक स्थान के ऊपर आए थे, उसके बाद भी जनता ने नकार दिया। पिछली बार 8 सीटें थी, कम होकर 5 सीटों पर रह गए। अभी भी अगर उनको समझ में नहीं आ रही कि उनके ज़माने में किस प्रकार का भ्रष्टाचार था, किस प्रकार की लूट थी, किस प्रकार का अपराधीकरण था, अपहरण एक उद्योग सा बन गया था, सड़क के ऊपर माताओं बहनों और बेटियों को चलना मुश्किल हो गया। लखनऊ में सीएम योगी ने एमएसएमई के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, यूपी उद्योग में सबसे बड़ा राज्य बना है, ओडीओपी का लाभ लोगों को मिल रहा है, कर्म पूंजी पर ज्यादा रोजगार की संभावना है, सरकार एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान दे रही है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरा मानना है कि भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की अपनी बड़ी भूमिका होगी। सरकार ने सबसे पहला काम इस बारे में किया कि हम लोग उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक अभिनव योजना को लागू करेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर हत्या से सनसनी। ग्रेटर नोएडा में युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। युवक की गला दबाकर हत्या, खेत में पड़ा मिला है युवक का शव। खेत में पड़ा मिला युवक का शव, परिजनों ने 3 लोगों पर आरोप लगाया है। युवक की हत्या से सनसनी, बादलपुर के बूढ़ बस्ती गांव में मिला है शव। ग्रेटर नोएडा में हत्या से सनसनी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ